हेलो एवरीवन, अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि सीटी का फॉर्म कैसा भरते हैं। तो पहला आप क्या करेंगे, अपने गूगल पे जाके ct.mh.ssc.ac.in लिख दोगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप 11CET को क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा आ जाएगा जैसे मेरे स्क्रीन पे आ रहा है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आप एडवांस कर दीजिए एंड प्रोसीड टू ct.ms.ssc। क्योंकि ये नॉट सिक्योर है, आप देख सकते हो ये वेबसाइट, इसलिए ऐसा बता रहा है। सो लेट्स सी आगे हमें क्या करना है। बोर्ड टाइप सेलेक्ट करना है। अगर आप ये साल आपका रिजल्ट आया है तो आप सेलेक्ट करोगे अपना महाराष्ट्र बोर्ड। सो लेट्स सी, हम अपना महाराष्ट्र बोर्ड सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, महाराष्ट्र बोर्ड सेलेक्ट होने के बाद ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है आपको। वैसे भी हम ज़्यादा पढ़ते नहीं इसको, आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन करते हैं। और यहाँ पर आपको अपना सीट नंबर पुट करना है, तो जो भी आपका सीट नंबर होगा वो पुट कर देंगे। मैं तो अभी यहाँ पर हम मदर नेम भी जो भी रहेगा आप पुट कर देना यहाँ पर। सो ओके फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपना सीट नंबर और मदर नेम सबमिट करते हो तो आपको नीचे जो है पर्सनल डिटेल्स पूछता है। पर्सनल डिटेल्स में अपना सारा चीज़ आपको डाल देना है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको पुट करना है यहाँ पर। सो लेट अस सी, ईमेल आईडी आप अपना जो भी आपका ईमेल आईडी होगा वो आप पुट कर देंगे। उसके बाद आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करना है, जो कि आप इंग्लिश सेलेक्ट कर दोगे। उसके बाद आप देखोगे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट पे आप जाओगे। हमने जो है सेलेक्ट किया है मुंबई सबर्बन 2, क्योंकि हम ट्रॉम्बे एरिया में रहते हैं। और उसमें आपको यहाँ पर एम ईश वार्ड जो है सेलेक्ट करना है। इसे आप सबमिट करते हो तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, इसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है। इसमें सारी डिटेल्स आपको दी गई है, बस यहाँ पर प्रिंट बटन है तो आप इसका प्रिंट दे दोगे और प्रिंटर से कनेक्ट करो एंड देन यू विल गेट योर प्रिंट आउट। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लेंगे तो भी चलेगा और कलर प्रिंट भी लेंगे तो भी चलेगा, कोई इश्यूज नहीं। ओके सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ आपको सिलेबस के डिटेल्स और हॉल टिकट वगैरह के बारे में बता देता हूँ। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अभी हम कुछ ऐसे टॉपिक्स देखते हैं जो हमने कवर नहीं किए थे हमारे फर्स्ट वीडियो में। तो पहला है हॉल टिकट। हॉल टिकट जो है आपको ऑनलाइन जनरेट होगा और आपको उसका प्रिंट आउट लेना है। ओके नेक्स्ट हम लोग करते हैं OMR। OMR शीट में आप लोग ये याद रखें कि जब आप इसको फिल करेंगे, उसको सर्कल करेंगे, कंप्लीट सर्कल होना चाहिए लाइक दिस। ओके आपको ऐसा हाफ सर्कल नहीं करना है वहां पर, तो उसको काउंट किया नहीं जाएगा। या फिर आप दो ऑप्शन को भी क्लिक नहीं कर, पूरा सर्कल नहीं कर सकते हो लाइक दिस। ओके तो दो ऑप्शन ऐसा आप करोगे तो भी आपके आंसर को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो याद रखिए कि आपको एक ही ऑप्शन क्लिक करना है और 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का एक मार्क है और प्रॉपर आपको करना है। रिजल्ट पे, रिजल्ट कब आने वाला है, रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑनलाइन और मोस्ट लाइकली इन द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर। तो जैसे सेप्टेम्बर या हम 10 सेप्टेम्बर से पहले पहले एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें पोर्शन क्या होगा। पोर्शन फॉर SSC CET एग्जाम में आप देख सकते हो पहला इंग्लिश का जो है आपको मैं स्क्रीन के सामने बता रहा हूँ। ये सारी ग्रामर्स उसमें होने वाले, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, फ्रेमिंग क्वेश्चन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये सारी चीजें। और सेकेंडली आपको देखना है कि यहाँ पर नॉन टेक्सचुअल पैसेज भी एक आने वाला है। ओके और एक पोइटिक डिवाइस और फोर्थ वाला जो है राइटिंग स्किल्स पे आपके क्वेश्चन होंगे। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं अलजेब्रा पे। देखो लेफ्ट साइड में आपका जो ये दिया हुआ है, ये है आपका ओरिजिनल पोर्शन। ओके और ये जो है डिलीटेड पोर्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पास जो है क्या क्या डिलीट होने वाला है और क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर यू कैन से दैट कि इसमें लीनियर इक्वेशन है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आपको और प्रोबेबिलिटी है आपको। दो टॉपिक कौन से नहीं है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग ये नहीं है आपको और एक स्टैटिस्टिक्स ये नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में आप देख सकते हो आपको सिमिलैरिटी है, पाइथागोरस थ्योरम है, सर्कल है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। तो दो चैप्टर इसमें भी नहीं है, वो है कंस्ट्रक्शन और दूसरा है मेंसुरेशन। ये पढ़ते हैं तो नेक्स्ट है इसमें साइंस। साइंस में आपको ग्रेविटेशन चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, केमिकल रिएक्शन है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, हीट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, लेंसेज है, मेटलग्री है, कार्बन कंपाउंड है, स्पेस मिशन है। मतलब यहाँ पर आपको सारी चीज, सारे के सारे चैप्टर साइंस 1 में आपको पढ़ने पड़ेंगे। हम लोग देखते हैं साइंस 2 में। साइंस 2 में भी आपको जो है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, एनिमल क्लासिफिकेशन, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सोशल है, डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब साइंस में भी कोई चीज डिलीटेड नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री में।
ये है अप्लाइड हिस्ट्री है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि मास मीडिया एंड हिस्ट्री, मतलब ये वाला है, और चैप्टर जो है एंटरटेनमेंट मीडिया एंड हिस्ट्री, ये भी आपको है, और जो है सिक्स चैप्टर ओमिटेड है, ऐसा ये बता रहा है, चैप्टर सिक्स इज ओमिटेड। तो एंटरटेनमेंट मीडिया एंड हिस्ट्री मतलब मास मीडिया एंड हिस्ट्री है, और एंटरटेनमेंट मीडिया एंड हिस्ट्री जो सिक्स चैप्टर है वो ओमिटेड है, मतलब ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ओके, और आगे दिया हुआ है फॉर एकेडमिक ईयर 2020 सम पोर्शन ऑफ द यूनिट इज ओमिटेड फॉर इवैल्यूएशन, चैप्टर 4 इज ओमिटेड, तो ये चैप्टर 4 इज आल्सो ओमिटेड। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है चैप्टर 4 और 6 आपको नहीं पढ़ना है, टूरिज्म एंड हिस्ट्री आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट चल पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में मेरे ख्याल से कोई भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है। पहला है वर्किंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज उसी में ही आता है, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, ये हो गया, मतलब ये जो चैलेंज फेस बाय इंडियन डेमोक्रेसी, ये वाला चैप्टर नहीं है। लास्ट आ जाते हैं ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में आपको लोकेशन एंड एक्सटेंट है, फेजोलॉजी एंड ड्रेनेज है, नेचुरल वेजिटेशन, इकोनॉमिक्स एंड ऑक्यूपेशन और टूरिज्म ट्रांसपोर्ट, तो मतलब ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर आपको नहीं है, पॉपुलेशन चैप्टर आपको नहीं है, क्लाइमेट चैप्टर नहीं है, फील्ड विजिट चैप्टर आपको नहीं है। होपफुली आपको वीडियो पूरा समझने आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।